आप देख रहे हैं टैलेंट एनुलिया और हाजिर हूं मैं आपके सामने एक और सरकार रिव्यू लेकर। 2005 में बैटमैन की आखिरी सीन में जोकर कार्ड दिखा था। ये जोकर 3 साल बाद 2009 में ताश के पत्ते से बाहर निकलकर द डार्क नाइट से पूछता है, व्हाई सो सीरियस। चाकू की नोक पर मुस्कान की क्रूर फरमाइश करने वाले जोकर एक्टर हीथ लेजर ने जब दुनिया को अलविदा कहा तब ये समझा गया था कि अब पर्दे पर कोई दूसरा जोकर नहीं होगा। साल बदले, हाल बदले और जोकर भी बदल गया है। इसमें कोई शक नहीं है कि नए जोकर के रूप में ऑकिन फिनिक्स से बेहतर कोई नहीं हो सकता था। फिल्म की कहानी की यदि बात करें तो कहानी ऑकिन फिनिक्स एक जोकर है जो लोगों को हंसाने का काम करता है। साथ ही उसे स्टैंड अप कॉमेडी करने का भी शौक है और वह मशहूर कॉमेडियन बनना चाहता है। इस दौरान कई बार वह लोगों द्वारा हंसी का पात्र बन जाता है। शारीरिक और मानसिक समस्या की वजह कई बार आर्थर फ्लैग की पिटाई भी हो जाती है। यह जोकर आपको पूरी फिल्म देखने के बाद आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि क्या यह जोकर सही था या गलत। टॉड फिलिप्स ने इस फिल्म का निर्देशन किया है और उन्होंने अपना काम बखूबी निभाया है। शुरू से लेकर अंत तक यह फिल्म आपको बांध ही रखती है। इस फिल्म की कहानी दिलचस्प है और स्क्रीन प्ले लाजवाब है। इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब इंडियन सेंसर बोर्ड ने इस फिल्म को देखा तो उन्होंने फिल्म में एक भी कट नहीं लगाया। अभिनय की यदि बात करें तो ऑकिन फिनिक्स के किरदार को देखकर आप इसे कभी भी नहीं भूल पाएंगे। यदि उनकी इस परफॉर्मेंस के लिए उन्हें ऑस्कर नहीं मिला तो यह उनके साथ अन्याय होगा। इस दुनिया में उनके अलावा कोई भी अभिनेता इस किरदार को इतने बेहतरीन अंदाज में नहीं अदा कर सकता था। इस फिल्म की कमाई कितनी होगी वो जान लेते हैं। जोकर किरदार को भारत में काफी पसंद किया जाता है। अब जब इस किरदार पर आधारित फिल्म रिलीज हुई तो दर्शक इसके लिए काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। पहले दिन फिल्म की कमाई के बारे में बात की जाए तो पहले दिन यह बॉक्स ऑफिस पर 4 से 5 करोड़ रुपए का कारोबार कर सकती है। फिल्म के रिव्यू भी जबरदस्त देखने को मिल रहे हैं, इसलिए आने वाले समय में इसकी कमाई बढ़ सकती है। जोकर फिल्म आज बॉक्स ऑफिस पर रिलीज कर दी गई है तो अब देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा कि जब जोकर एक तरफ रिलीज हुई वहीं दूसरी ओर फिल्म वॉर और अमिताभ बच्चन और चिरंजीवी की फिल्म सैरा नरसिम्हा रेड्डी हुई तो जोकर आज बॉक्स ऑफिस पर कितनी कमाई करती है। तब तक के लिए आप देखते रहिए टैलेंट एनुलिया। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।